नमस्ते, मैं हूँ सोनल वेंगुर्लेकर और मैं आज आपसे बात कर रही हूँ नवभारत टाइम्स में। मैंने भी ये फेस किया था जब इनिशियली मैंने अपना करियर स्टार्ट करने की कोशिश की थी 2012 में। मैं काफ़ी नई थी इंडस्ट्री में, किसी को जानती नहीं थी, काफ़ी कास्टिंग डायरेक्टर्स को नहीं जानती थी, पता नहीं था कि कौन से प्रोडक्शन हाउसेज है और नहीं। तो उस वक्त एक वेबसाइट पे मैंने सर्च एक सर्च वेबसाइट मिली थी मुझे, bollywoodhunts.com। उस वेबसाइट पे कास्टिंग अपडेट्स होते थे कि फॉर एग्जांपल किसी एक चीज़ का ऑडिशन है। तो उस वक्त एक ऑडिशन का वो था, अपडेट था। उस पे मैंने क्लिक करके उस नंबर पे कॉल किया एंड मैंने बोला कि मुझे ऑडिशन के लिए आना है फॉर दिस। तो मुझे एड्रेस दिया गया। मैं जब उस ऑडिशन पे पहुंची तो सबसे पहले मैं सोच रही थी कि कोई ऑफिस होगा या तो कोई स्टूडियो होगा। तो जब एड्रेस पे पहुंची तो वो एक घर था जहाँ पर वो लोग रह रहे थे। मैंने उनके घर पे एक फ़ोटो देखी शीना बजाज की, तो मैंने उनसे पूछा कि ये कौन है। तो उन्होंने बोला ये मेरी बेटी है, आपने देखा होगा इसको काफ़ी सीरियल्स में, काफ़ी फेमस है, 50,000 पर डे मिलता है इसको, ऐसी ऐसी बातें की। बोला कि डोंट वरी, आपको भी, आपका फेस भी काफ़ी अच्छा है, होगा होगा, चलो ऑल द बेस्ट, ऑडिशन दे। ऐसे वैसे ऑडिशन मैंने दिया। उसके बाद ऑडिशन के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि आपका फेस तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन क्या है ना, आप बहुत नई हैं अभी, तो मैं अभी आने वाले वीक में एक शूट प्लान कर रहा हूँ, तो आप एक काम करना, अगर आपको चाहिए तो उस शूट में आप मेरे साथ चलना और जस्ट ऑब्जर्व करना कि शूट कैसा होता है, ताकि जब भी आपको कोई दूसरा प्रोजेक्ट मिले तो आपके लिए ऐसा ना हो कि काफ़ी नया है या कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप एक बार एक्सपीरियंस कर लेंगी तो आपको भी आइडिया आ जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है, ये बोल के मैं वहाँ से निकली। मैं गई थी 5th मार्च 2012 को। उन्होंने हमको पिकअप किया था हीरानंदानी पवई से। वहाँ पे जब मैं गई तो अपने कार, वो खुद ड्राइव कर रहे थे, उनके साथ ऑलरेडी एक मॉडल थी, वो भी आई गेस काफ़ी नई होगी इंडस्ट्री में, 18-19 ईयर्स की ही होगी। तो जब मैंने उस लड़की को देखा तो मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिला कि एटलीस्ट कोई तो है साथ में, ऐसा नहीं कि अकेली हूँ तो डर है। दूसरी ये चीज़ कि उस वक्त मुझे उन पर कुछ डाउट नहीं आया, बिकॉज़ वो शीना बजाज के पापा है बोला, तो मुझे लगा कि अगर एक बंदी है जो थोड़ी बहुत नोन है, लोग जानते हैं उसको, तो उसका कोई भी घर वाला या उसका कोई भी रिलेटिव उसके नाम से चीट तो नहीं करेगा, नाम का मिसयूज़ करने की कोशिश नहीं करेगा। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो रिजॉर्ट था नहीं, वो आप बोल सकते हैं जैसे फार्म हाउस होता है, गार्डन गार्डन जैसा एरिया था, ऑलमोस्ट अंडर कंस्ट्रक्शन जैसा, छोटे से ऐसे दो रूम्स थे, ऐसे हट जैसा था। तो फिर मैं उन्होंने बोला कि आप एक रूम में जाकर अपना सामान वामान रख दीजिए। उनका भी एक दो कुछ छोटे छोटे बैग्स थे, वो मेरे रूम में थे। और हम लोग जब वहाँ पर गए तो उन्होंने एक आदमी से इंट्रोड्यूस करवाया, बोला कि यहाँ के मालिक है, उनके साथ एक और मॉडल थी और उनकी मम्मी थी वहाँ पर। मैं ला ओके। तो उन्होंने बोला हम लोग अभी फ़्रेश फ्रेश होते हैं, कुछ खाना वाना खा लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर शूट स्टार्ट करेंगे। ये सब हो गया, अब शूट स्टार्ट करने की बात आई तो उन्होंने बोला कि लड़की का शूट करने से पहले ना, वो अंदर रूम में बैग में कपड़े रखे हुए कुछ, आप एक काम कीजिए वो कपड़े ट्रायल कर लीजिए एक बार। तो मैंने सोचा कि वो लड़की शूट करिए तो कपड़े ट्रायल करने के लिए मुझे क्यों बोल रहे हैं। तो कह रहा कि नहीं, एक बार आइडिया आ जाएगा ना मुझे, ताकि अगर नहीं अच्छा लग रहा होगा तो मैं उसको बोलूँगा कि ये ना पहने। चेंज करने के लिए तो वो आए वहाँ पे और उन्होंने बोला कि एक क्रीम है, ये क्रीम आप कपड़े चेंज करने से पहले अपने चेस्ट पर ये क्रीम लगा लेना, इससे क्या है कि सारी मॉडल्स करती है फ़ोटोशूट के टाइम पे, जिससे कि बॉडी का शेप प्रॉपर दिखता है, ऐसे बोल के। तो मैंने बोला नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं करना है, एनी विच वेज मैं मॉडल तो हूँ नहीं। तो उन्होंने ज़बरदस्ती से वो क्रीम मेरे चेस्ट पर लगा रहे थे और मैंने किसी तरह उनको हाथ झटक के मैंने बोला बस हो गया, मुझे अब और नहीं करना, यही एक ड्रेस ट्रायल करूँ मैं और नहीं करूँगी। ये बोल के मैं वहाँ से निकल गई बाहर। बाहर गए तो उनको भी थोड़ा सा ये हो गया कि अब इसको थोड़ा सा सेंस हो गया है कि जो भी वो करने की कोशिश कर रहा था। अराउंड शाम के 4-5 बजे के टाइम पे जिस लड़की को वो शूट कर रहा था, उसने उस लड़की को बोला कि अब आप वापस जाइए, बिकॉज़ मेरे प्रोजेक्ट के हिसाब से आप सूटेबल नहीं है, तो शायद मुझे आज का शूट कैंसिल करना पड़ेगा या फिर वापस कुछ रीप्लान, किसी को बुलाना पड़ेगा। ये बोल के उसने उस लड़की को भेज दिया। और मैं भी ये सोच रही थी कि यार मैं भी इस लड़की के साथ निकल जाती हूँ यहाँ से। तो मैंने उससे बोला कि मैं भी चली जाती हूँ इसके साथ। तो उसने बोला कि अरे नहीं, तुम अकेली कहाँ जाओगी, तुम तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, हम चलेंगे, थोड़ा आराम से चलते हैं यहाँ पे, खाना वाना खा के, ऐसे उसने बोला। तो मैंने बोला ठीक है। अब वो लड़की चली गई। अब उसके बाद शाम हो गई, मैं वेट कर रही हूँ कि कब बोलेगा, चल रहे हैं यहाँ से, चल रहे हैं यहाँ से।
रात रात हो गई वेट करते करते, तो मैंने ऐसे रूम से बाहर आके देखा तो बाहर वो खाना खा रहे थे रूम के, वो उधर के जो ओनर थे उनके साथ, और साथ ही साथ वो शराब भी पी रहे थे। और मेरे बाजू वाले कमरे में वो आंटी और उनकी बेटी जो है वो लोग मेरे बाजू वाले कमरे में थे। ऑलमोस्ट लेट नाइट हो गई, मैं अपने रूम में बैठी थी तो नॉक मेरे डोर पे हुआ। उन्होंने नॉक किया और बोला कि सोनल मैं ना तुमको एक तांत्रिक विद्या सिखाता हूँ जिससे कि तुम रातों रात सुपरस्टार बन जाओगी। उसके लिए बस तुमको ये करना होगा, तुमको अपने पूरे कपड़े उतार कर बैठना होगा और जो मैं मंत्र बोल रहा हूँ तुमको मेरे साथ वो सारे मंत्र रिपीट करने होंगे। तो मैंने इमीडिएटली बोला कि नहीं नहीं मुझे कोई सुपरस्टार वगैरह नहीं बनना है, मुझे ये सब नहीं करना है। तो वो ज़बरदस्ती मेरे कपड़े उतारने की कोशिश कर रहा था, उतने में मैं उसको पुश करके बाहर आ गई। तो मेरे बाजू में उस आंटी का रूम था तो मैंने उनका डोर नॉक किया तो बाहर आ गया जल्दी से देखने के लिए कि ये क्या बोल रही है, उनको मेरे बारे में सच बता तो नहीं देगी। अंदर गई उन आंटी के पास और मैं भी बार बार पीछे मुड़ मुड़ के देख रही थी कि देख रहा है कि नहीं, बिकॉज़ मैं वो हिम्मत कलेक्ट करने की कोशिश कर रही थी कि मैं कैसे बताऊँ कैसे स्टार्ट करूँ। धीरे धीरे करके मैंने उस आंटी को उनकी बेटी उनको सब बताया। उतने जब मैं बता रही थी उतने थोड़े टाइम में जो होटल के मालिक हैं वो आए वहाँ पे, उन्होंने बोला कि वो तो भाग गया। मतलब भाग गया मतलब तो ये सर कि हाँ वो अपना सारा सामान जो भी था ऐसे ही बैग वैग वैसे के वैसे छोड़ के भाग गया गाड़ी लेके। तब मुझे पूरा श्योरिटी हुआ कि इसका बेसिकली इसका इरादा क्या था। मेरा एक फैमिली फ्रेंड है तो मैंने उससे ये सारी चीज़ें शेयर की और मैंने उसको बोला कि मुझे केस करना है। तो वो लोग लेकिन बोल रहे हैं कि आप केस करने से पहले एक बार हमसे मिल लो। तो मैंने बोला कि मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप मेरे साथ चलो ताकि मैं अकेली नहीं जाना चाहती वहाँ पर। तो नेक्स्ट डे मैं अपनी फ्रेंड को लेकर वहाँ पर गई उनके घर पे। उनके घर पे जाने के बाद हमने उनसे कोई बात नहीं की, हम बस देख रहे थे कि वो सामने से क्या बोल रहे हैं। जैसे हम गए तो मैंने बोला कि हमने बोला बोलिए हाँ क्या बोलना है आपको। तो बोलने लगे देखो प्लीज़ आप कंप्लेन मत करो, बहुत बड़ी हो जाएगी बात, हमारा करियर ये वो, हमारी बेटी का नाम ख़राब हो जाएगा आप अगर उनका नाम इन्वॉल्व करोगे, ये सारी चीज़ें। दोनों लिटरली मेरे पैरों में गिर कर माफ़ी मांग रहे थे कि आपको ना हमारे बहुत कॉन्टैक्ट्स है कास्टिंग में तो हम आपको ना टेलीविज़न में लीड रोल दिला देंगे, आप प्लीज़ ये बात किसी को मत बोलो। या इनडायरेक्ट वेज में वो लोग ये कोशिश कर रहे थे कि किसी ना किसी तरीके से हम इनके साथ कंपनसेशन करके ये मान जाए और ये केस ना करें। तो हमने बोला कि आप चाहे कुछ भी कर लो, हम आपके यहीं घर के पास वाले पुलिस स्टेशन में जा रहे हैं कंप्लेन करने, अब आप देखो आपको क्या करना है, हम जो भी बात करेंगे पुलिस के थ्रू ही बात करेंगे। पुलिस ने हमारी FIR लॉन्च की लॉन्च ये किया और उसके बाद उसको राजा बजाज को लॉकअप में बंद किया रात भर। उसको पुलिस ने बहुत पीटा भी और उसके बाद वो लोग अपने लॉयर को साथ लेकर ही आए थे पुलिस स्टेशन में। और अब उनका ये कहना है कि हमको मराठी नहीं आती थी इसीलिए पुलिस वालों ने हमारा स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं किया। तो ऐसा तो कहीं नहीं होता कि आपको मराठी नहीं आती इसलिए आपका कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करता। और अगर आप मुजरिम नहीं हो तो आप पुलिस का मार क्यों खाओगे? आप उसके ऊपर भी तो एक्शन ले सकते थे ना कि बिना प्रूफ के हमको मारा है या कुछ भी किसी चीज़ के। तो अगर उनको ऐसा है कि हमने कुछ किया ही नहीं या हमने उनको किसी चीज़ के लिए किया तो वो कंप्लेन कर सकते थे उस वक्त। लेकिन सारी जो भी वो, और उनका ये भी कहना है कि सोनल बोल रही है जिन डेट्स पे हम गए थे वो डेट्स तो थी ही नहीं। और मेरे पास राजा बजाज का स्टेटमेंट पड़ा हुआ है जिसमें राजा बजाज ने खुद खुद का स्टेटमेंट में बोला हुआ है कि हाँ हम इन इन डेट्स पे शूट के लिए गए हुए थे और उस पर पुलिस स्टेशन का स्टैम्प भी है। मुझे एक्चुअली ना इन सब चीज़ों का मैंने मुझे लगता है कि मैं सही बोल रही हूँ और मुझे इस चीज़ का बिल्कुल डर नहीं है कि मुझे काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो देखिए हर किसी के साथ जो होना होता है वो तो होता है, आप ये चीज़ सोच के आप गलत सहते रहो ये भी कोई सोल्यूशन नहीं है इस चीज़ का। वैसे ही मैं मुझे ट्रस्ट है कि भले ही इतना टाइम लगा है लेकिन इसका जो भी एंड रिज़ल्ट होगा आई होप कि अच्छा ही हो। और मुझे ट्रस्ट है लॉ पे कि अच्छा ही, मतलब उसको जो भी गुनहगार है उसको सज़ा मिले, इग्नोर ना हो ये चीज़।